तो आप लोग आप पर हुज्जत कायम करेंगे कि भाई यार क्या बात,
Yeah.
लेकिन अंबिया का जिक्र है कुरान में, अंबिया से बातें हैं, तो वो कैसा फर्क होना चाहिए ये भी बता दिया ना कि आयत में भी कोई दरबार नहीं कर सकता। देर दौरान आपको जज को बनाए सभा जो साफ खराब के उसके मुताबिक जरूरी है देने देते कहीं घुसना पड़ सकती है पूर्ण योजना से घुसना कहीं पूर्ण योजना से हंसना पड़ा जा सकता है मारा, लेकिन कोई तब्दीली माना के हाथ में तब्दीली कर सकता है देर दौरान नहीं कर सकता कुरान में नहीं देता भी कोई तब्दीली नहीं होगी कोई तहरीर का इंकार नहीं, यानी जो आयत है कलाम इलाही यही तो समझाना चाह रहा हूं कि मूसा पैगंबर ने इब्राहिम पैगंबर ने दाऊद पैगंबर सुलेमान पैगंबर सब पैगंबर ने जिनके कुछ जुमले सबके भी नहीं सबके नहीं कुछ जुमले किसी के आए किसी के दो किसी के चार किसी के दस तो ये नहीं समझे तो उन लोगों को बोलो
मेहरबानियां तैयार नवा लोग रात को छापा पड़े आप गिरफ्तार करें नहीं पता नहीं आपको सुबह ले जाएंगे जब बच्चे कोई ये भी आधा पाक ले इसको भी वजीर आजम बनाओ अशोक जी ने दो चार बातें मैं तो इससे ज्यादा बातें करता हूँ करा इनमें थोड़ा ख्याल रहता है कि आप डर न जाए सलाम मेरी मोहम्मद आलम मोहम्मद मैंने भी क्या किया कि मासूम ने झूले अदा किए
किस्मत पर यकीन लाए हो ना। मासूम होने का अकीदा हमारा है, दूसरों का नहीं है। मासूम भी कह रहे, सादिकीन की जवान भी कह रहे, ताहिरीन और मुताहिरीन भी कह रहे हो, और फिर अपनी मर्जी से बनाए हो, अहकाम में अपनी मर्जी, दीन में अपनी मर्जी, अकीदे में अपनी मर्जी, जो कहो आज तुमको ऐसा हो गया खिलौना। चार आदमी बैठो अकीदा लगाओ, भैया हमारा अकीदा लगाओ, कुछ भी करो हम तो नहीं मानते, हमारा अकीदा है। क्या मतलब तेरा अकीदा है? अकीदा वही होता है जो अक्ल और उसूल की बुनियाद पर कायम हो, और वो अक्ल और उसूल जो सही मुतबा हो, यानी सही सालिम। सही सालिम का जब जानता है कि सपलेन से बाहर नहीं किताब और अहले बैत, कौन है अलग करने वाला किताब को अहले बैत से, अहले बैत को किताब से, जब दोनों एक जगह हैं, अलग हो ही नहीं सकते, कयामत तक अलग नहीं हो सकते। बनाई मैं बिल्कुल आसानी से समझा दिया, यह काम किसके तेरे बनाए नहीं, यह काम किसके, मासूम उनकी सदाकत पर यकीन है, उनकी सदाकत, उनकी शिफ़ा, उनकी तहारत पर। अब आइए बात करते हैं कि निस्सलात, ये विदाम, ये याद रखना, कुछ भी कर लो जब तक अल्लाह की बारगाह में झुकोगे नहीं कुछ मिलने वाला छात नहीं आता। ये आज ही सदाकत है, कहा था ना एक बार, अब तार को नहीं हो राजी हो रजाली कुछ हाथ नहीं आता। जब तक अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाओगे, इस सर को बुलंदी अता होने वाली नहीं। जानते हैं कि इस नमक की कीमत क्या है,
कभी भी हम बयानी से बाज नहीं आते, अरे अच्छा लगे बुरा लगे भाई जाओ बुरा लगे, हमें भी बहुत बुरा लगता है, हम क्या करें, तुम बार बुरा लगे अभी तो हमारा दिल खून जिगर जिगर हमारा खून होने लगता है, जिगर ठंडी होने लगता है, सुन लेते ऑल ऑल बटवा चल रही और पूरी दुनिया में वो मैच होती है, सारी दुनिया बार मजाक कर रही है, ये लोग ये गालिब वो तो आलिम नहीं है ना, उन्हें क्या पता एक पांच भी फेल है क्या आदमी है, उन्हें क्या पता क्या अरे वो एक आलिम क्या कर रहे हैं, लेकिन कसूरवार से वो अकेला नहीं, वो सामने बैठा हुआ मजबूरी है, वो बुला ले बाहर सिर्फ इसके मजमा इकट्ठा और बाजार से जाए, दीन के साथ खेलते हो, दीन के साथ मजाक करते हो, फिर समझ लो कोई ना कहोगे तुम्हें ऐसा हो भी कोई नहीं सकता, कोई नहीं सकता, ऐसे पैमान है जैसे शयातीन के चाहने वालों के शयातीन के साथ ऐसे पैमान है, ऐसे साजिदीन के मानने वालों के साजिदीन के साथ ऐसे लोगों के मिजाज के खिलाफ बात करनी मौलवी साहब ने भाई
मुझे मालूम था दोबारा दोबारा नहीं मुझे नहीं आप अपना पूरा सीधा खाली करके जाओ ताकि मुझे मालूम कि हर कोई सामान बेचने वाला नहीं है बस क्या मतलब है यार
के साथ और उन्होंने सबके का बात कंप्यूटर के बयान है ना बता दिया उसे हां ये होता है तो क्या आखिर में इज्जत किसकी होती है जो अमर बिल मारूफ और नहीं है दुनिया गुजर जाए सदियां गुजर जाए लेकिन दुनिया याद कि हां ये मर जब पूरी हवा किसी और शब्द में चल रही थी ये हवा के मुखालिफ हवा के रुख पे चलना और मर्द वो नहीं होता जो हवाओं के रुख पे चलता है मर्द वो होता है जो हवाओं के रुख पर मोड़ करके मुंह ना फुला लेना, लेकिन तुम्हें साथ में तो मुलायम से मिलो ना,
ऐसे बन के बोलो जैसे पता नहीं क्या तुम कहां चले आ रहे हो, तुम कौन चले आ रहे हो, बताता हूं मिलाप से मरा हा खबरदार जमीन पर अंदर अटक के मगरूर होकर भी ना चला। क्या आपको बताऊं दास आपको कुछ जानते हैं दूर से लोग समझ रहे हो पता नहीं कौन आ रहा है, कितना बड़ा सेठ कितना बड़ा जागीरदार कितना बड़ा सुबेदार, और इसको जमीन में तो जाने ही ये तो कोई आसमान आसमान में दफन होगा, इसके लिए कोई सोने चांदी की ईंटों की कब्र बनेगी, कोई मखमल इस तरह लगाया जाएगा कब्र के अंदर है, ऐसा लगाया जाएगा अंदर मौसम के पास से गर्म और सर्दी का इंतजाम रखा जाएगा। ऐसा है ना हवेली वाले मखलूक का चल के बैठ गया है, चलता वो वैसे ही आ रहा है जैसे कि कोई मखलूक है, जब मरना कभी नहीं है, इसे जमीन में कभी नहीं जाना, जब ये धमक धमक के चल रहा होता है जमीन पर तो जमीन आवाज दे रही होती है आएगा तो मेरे पास अकड़ के मुझे जोर दे के मुझे दबा के मुझे धमक के चल रहा होता है आएगा फिर मुझे पीस कर बताऊंगी। इसे कहते हैं फिश आए कब्र
ग्यारह बजे हम पास और कल छुट्टी मिली आप पैदा बदलाव उन्हें
यूट्यूब के हर लिबास में इधर से दो इम्तिहानों पे हम पिस गए, एक इस इम्तिहान में जाके खड़ा हो गया, एक उस इम्तिहान में जाके, और बीच में तशय्यो पिस गए, दो इम्तिहानों के दरमियान में हम फंस गए। मुतदिला हमारा नाम है, इंतदाल हमारा नाम है, ये सब प्लान के बाकी लाशूरी तौर पर बेचारे अपनी दर्शन के साथ उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, ठीक तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी बात क्या कर कल परसों की बात हो रही थी तो लोग बैठे क्या सब क्या होगा परेशानियां होंगी, मैंने कहा ठीक है अभी परेशान बात करते रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखो अगर शिया है तो ये मायूस ना क्यों, ये जितनी खराबियां बढ़ रही हैं चारों तरफ से हमला है, चार आलमी मकामी हर तरह से पर हमला है, इसी बात की तो दलील है कि कुछ होने वाला है। हर साल हुसैन दिखाता है जलवा,
ہر رنگ نسل کا شیعہ, ہر دنیا کے ہر ملک کا شیعہ, کالا گورا پیلا نیلا جیسا بھی ہے, کئی کا بھی ہے, فرمایا لال مزدور کسان جاگیر سارے, یہ فکر وہ فکر, درد و قسم کی جو فکریں ہماری کھچڑی پک رہی ہے معاشرے میں, سب جاتے نہیں جاتے تو کیوں نہیں لگتے وہاں, سمجھ نہیں آتا کہ ہم سب کا حسین, سب کا روح ہوتا ہے کربلا, حسین تو ہر سال تمہیں سبق دیتا ہے, تو میرے پاس آ جاؤ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, تمہارے گھر جھگڑا ختم ہو جائے, بس یہ خیال رکھو ایک دوسرے کا خیال کرو, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرو, کیا مصیبت ہے, کیا مشکل ہو گئی, یہ تو سوچو کہ حالات بن جا رہے ہیں دنیا کے, سنبھالو اپنا آپ سنبھالو, ایک ایک کام چھوٹا سا کر لیجیے, جب بھی مجلس کریں ہاتھ جو ہے اس کے پڑھنے والے کے آگے مجھے لگے بھائی پاس خدا کے لیے دوسرے کو گالیاں مت دینا, مہربانی کرتا ہوں نہ اپنے کو نہ پڑھائے کو کسی کو برا بنا دے, بھائی نہ کر ایسے کیوں پڑھا ہے تمہیں, ان کو کس لیے لگا, میرے لیے لوگ ہمارے لیے تو جیسے لوگ میرے سب ایک, میں نے ابھی کہا کہ ہماری نظر میں کوئی جھگڑے نہیں, ہماری نظر میں ماں کی نمازی ہوتا ہے, نمازی ماں کی ہوتا ہے, ہم نے کبھی اس کی تفریح رکھی نہیں, پہلی نظر میں تو بھائی ایک ہم تو ایک ہی چیز جانتے سمجھ میں آئے, بس میں نے آپ کی ایک نماز پڑھنے والا تھا, ایک نماز پڑھوانے والا ہے, ظہر کے وقت کیا ہوا, اسی لیے تو ہم دوائی دیتے ہیں, قیامت تک دوائی دیتے ہیں, اصل کا سلاد باتیں تو سرکار کا دھیان دے والے تھے, تمہیں نکال دو نہیں کسی چیز کو, میں دوائی دیتا ہوں اس نے نام پہ نماز پڑھائی, آپ کی گاڑی میں روٹ روٹ ہے تو اکثر آج کے ریسے کی جھاڑے پیدا ہو گئے, کتنی غلط ہے, ہم کیسے دوائی دیں گے, مجھے پتا نہیں کہ تم نے دوار کو بدلا کھا کر تجھے کیا معلوم اس میں کیا کیا راز چھپے ہیں زیارتی والے سب, قیامت تک گواہی دے دوں, ہم نے تو دے ہم نے تو سنا ہے لیکن گواہی تو دے رہے سمجھنا ہے, کیوں شامیوں کا الزام تھا کہ بے نمازیوں کی جماعت شاکری وہ بھی گیا, حسین اپنے آپ کو
हमारी नमाज हो गई मंजिलों मकाम को तो देखो, इमाम को नमाज पढ़वाएंगे, इमाम को मजाक है शेरो, तुमने हक अदा किया, वफादारी जानी सारी इबादत मफहूम है, सारा निकाल की बात है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हुसैन में गवाही देता हूँ अपने सरकार की, आपके सामने जितना खुदाई क्या दीजिएगा वो आप गवाही दे रहे हैं, क्या कमाने दुनिया से हुसैन के पास नहीं, जैसे प्याम किया है ना नमाज का प्याम, ऐसे ही हुसैन ने वो जकात की जो ना हुसैन से पहले किसी ने दिया, जब माँ ने दुनिया से कुछ ना रखा तो हुसैन ने जिगर के टुकड़ों को जकात में दे दिया, वो भी नहीं सुबह आशुर के लिए अकबर की अजान गूंज रही थी, बीवियां खेमों में पछाड़े खा रही थी, जानती थी कि बस ये आखिरी अजान है अली अकबर, और ये भी याद रखिए मैं जनाबे लेकर की शहादत नहीं पढ़ रहा हूँ, बड़ी तफसील से पढ़ रहा हूँ, उनका पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको वहां तक ले जाने के लिए जरूरी है दूसरा घूमने कहना, जनाबे अली अकबर ने सबसे पहले मैदान में जाना चाहा था, जब जंग शुरू हुई ना बाबा मैदान में जाओ, हुसैन ने कहा था जाओ, लेकिन आप इंसाफ से बताइए अंसार की मौजूदगी में नियत पर जा सकते हैं, सब फला मौला ये कैसे हो, हम जिंदा हो शमी है पैगंबर खान को हम नहीं जाने, अंसार अपना आयत वफा पूरा करके गए, फिर अली अकबर बाबा मैदान में जाऊं और आज जाकर वकील सामने आ रोकने वाला ना करके
शाम पर सवार घराने वाला कोई और नहीं, मां जाई ज़ैनब थी, ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब। और जब हुसैन मैदान में पहुंचे, हुज्जत तमाम की हमला किया, तो ये 72 लाशें उठाने वाला हुसैन, ये 3 शबो रोज का प्यासा हुसैन, इसका हमला ऐसा था कि भाग भेड़ बकरियों की तरह लश्कर भाग रहा था और कूफे की सरहद से टकरा रहा था और आवाज देते जाते थे अलमान अलहदीज अलमान नबी वापस पर का सकता था। और फिर रुक किया गर्दे शहीदा का पास, अली अकबर मेरे शेर जो है अबीब, मैंने तुम्हारे एक एक वार पे दाग दी थी, इतने और सजा मैंने तुम्हारे हर वार पे मरहबा कहा था, आओ अब अपने मौला की जंग भी तो दे दो। अब हुसैन की तो जंग देखो जो करबला में सबसे ज्यादा प्यासा है, अब हुसैन की जंग देखो जो 72 लाशें उठा चुके, दूसरा हमला तीसरा हमला बता दिया, अली के लाल में क्या पीछा हो तो तलवार से जेर कर सकता हूं। बस वो वक्त आया जब हाथ में गैबी की निदा गूंजी, अल्लाह ने हाथ में गैबी की निदा गूंजी, या अली तो हम नफ्स मुतमईना इरजई इला रब्बे राजियत मर्जिया, ज़ुल्फ़िकार नियाम में गई, चारों तरफ से तीरों का में बरसा, इतने तीर एक हर मुबालिगा नहीं कर रहा हूं, लफ्ज़ तो दूर की बात है, पेशानी का निशाना लेकर अपने अहली
جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرمائیں۔ وسیم کے نام پر تمہیں بہت سے سنان کربلا جلد از جلد خیر سے کو کے پر کا کار ہوں۔ ماں کو دنیا میں جہاں کہیں مومن باقی صورت سے پر سر ہے کار ہے مومن کو سب کو سب کا فرمان دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست پاک سے اٹھا کر ماں کو ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دہشت گردوں کو جس پر نابود کر کے ٹھکانوں کو برباد کر کے سہولت کام اور سرپرست کو ذلیل و رسوا کر دے۔ بار الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما، بار الہ ہماری کوتاہیوں کے سبب سے جس قسم کے روگ پر مسلط ہیں محبوب ہمیں نیچے جان چھوڑا، ہمیں نیک اور صالح حکمران دیا گیا جن کے سینوں میں 22 کروڑ بیچارے مجبور انسانوں کا درد، ایسے لوگ دے جن کے سینوں میں لوگ کا درد، جن کے سینے میں سکون کا درد ہو، اس قوم کا درد ہو، محبوب ہمارے ملک کی مشکلات سے باہر نکال دیا گیا، ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے تیری آپ کی مدد کا ضرور ہو، اس کے اجنا سے سپاہی کو شامل ہو تاجی فرمان ہو پورے امام زمانہ میں۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ مرضی کے سارے ثواب کی بندی سے ہم سب کی نیت کر کے ہم سب کے لیے اپنے تمام مرمی کو شامل کر کے تمام شہداء فلت جاہلیہ کو شامل کر کے تین بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من يا